मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आपने कभी सोचा गंभीरता से? सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के जीवन का, मनुष्य जहां समझता है कि इस चीज से मुझे सुख मिल जाएगा, कभी उसे उस चीज से सुख मिलता नहीं है। अब तक जिंदगी में जाने कितनी चीजें आपको मिली हैं जिनके लिए आप तरसते रहे, और आप यही सोचते रहे कि ये मिल गया तो सुख मिल जाएगा, ये मिल गया तो सुख मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन सुख अभी मिला नहीं। और जिन्हें आप सोच रहे हो कि वह चीजें मिल जाएंगी तो फिर सुख मिल जाएगा, तो समझ लेना कि तब भी सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जहां वो समझता था कि मुझे सुख मिल जाएगा, वो मिलता कभी नहीं, आज तक की जिंदगी में नहीं मिला। लेकिन आदमी अपने अनुभव से सीखता नहीं है। मनुष्य एकमात्र गधा है जो उसी गड्ढे में बार बार गिरता है। गधा भी उसी गड्ढे में बार बार नहीं गिरता है, लेकिन मनुष्य एकमात्र गधा है जो बार बार उसी गड्ढे में गिरता है। कितना ना समझ, तो कभी इतनी बड़ी आशाएं मत लगाना कि जो चीज तुमने सोच रखा है कि वही मिल जाएगी तो मुझे आनंद मिल जाएगा। इसलिए आपकी खुशी, आपका सुख, आपका आनंद उसी बात पर अटका है। अरे छोड़ो, वो जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, हमें तो अभी इसी क्षण मौज में रहना है। यही मेरी गुरुदक्षिणा है, मुझे तो अभी यही इसी क्षण अपने वर्तमान की मौज को नहीं भंग करना है। जब जिस चीज को मिलना है वो मिलेगी, जब मिलेगी तब मिलेगी, तब उसका आनंद ले लेंगे, लेकिन उसके चक्कर में आज के आनंद को नहीं छोड़ना है। कहते हैं मुरारी लाल को एक राज दरबार में बड़ी मेहनत के बाद, इधर उधर से बड़े सोर्स लगाने के बाद चपरासी की नौकरी मिल गई। लेकिन था निष्ठावान आदमी, राजा के निकटतम सेवा में पहुंच गया और बेडरूम की सफाई करना, घर की सफाई करना सब उसी के हवाले हो गया। और राजा के बिस्तर की जब वो सफाई करता और देखता, इतना खूबसूरत बिस्तर, इतने दिन से सफाई करते करते उसके दिमाग में एक बात आई कि एक दिन मैं इस पर जरा सा आराम से लेट कर देखूँ कैसा लगता है। वो बेचारा देखा कोई नहीं था और लेट गया। पहली बार इतना मुलायम रेशमी गद्देदार बिस्तर, उसको एकाएक नींद लग गई, कब नींद लग गई पता ही नहीं। राज दरबार का कोई दूसरा नौकर आया, उसने जगाया उसे, क्या कर रहा था? उसने बड़े हाथ पैर जोड़े कि बताना नहीं किसी को, लेकिन आपस में भी तो कंपटीशन होता है कि इस राज को बता दिया तो इसकी नौकरी गई, इसका ओहदा मुझे मिल जाए। सम्राट को ये बात बता दी गई और मुरारी लाल को बेचारे को राज दरबार में सम्राट के सामने हाजिर किया गया। और सम्राट ने कहा, गरीब आदमी क्या सजा देनी, सिर्फ 100 कोड़े की सजा दी जाती है और राज दरबार में इसे सबके सामने 100 कोड़े लगाए जाए। उसे कोड़े लगाए जाने लगे। पहला कोड़ा लगा उसको, बहुत जोर से हंसा ठहाके मार। दूसरा कोड़ा लगा, चोट तो बहुत लगी लेकिन फिर ठहाके मार कर हंसा। और उसके ऊपर जितने ही कोड़े मारे जाते हैं उतना ही अधिक जोर से वो ठहाके मार के हंसता है। और कोई 15-20 कोड़े पड़े होंगे, जोर जोर से ठहाके मारने की बात राजा के प्राणों में चुभने लगी। सम्राट ने कहा, अब कोड़े मारने बंद कर दिए जाएं, मैं इससे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सम्राट ने उससे प्रश्न पूछा, आखिर इतने जोर से कोड़े लगाए जाते हैं, इसके बावजूद भी तू ठहाके मारकर हंसता क्यों? मुरारी लाल ने कहा, हुजूर कोई 1 घंटे उस बिस्तर पर सोने के बाद मुझे 100 कोड़े की सजा मिली, मैं यही सोच के हंसता हूँ, सरकार आप इतने सालों से उस बिस्तर पर सो रहे, आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी, आपको कितनी सजा झेलनी पड़ती होगी, आपका जीवन कितना दुखदाई होगा, उसके सामने मेरा दुख तो कुछ है ही नहीं। सम्राट सोच में पड़ गया और सम्राट सोचते सोचते सोचने लगा कि आखिर वास्तव में भी मेरी जिंदगी में कांटी कांटी ही तो है, मुझे तो उस बिस्तर पर नींद ही नहीं आती और ये तो बड़ा भाग्यशाली घंटे भर में सो गया। सम्राट की तो नींद भी उड़ चुकी है। और सम्राट ने कहा, इसने बहुत बड़ा संदेश दे दिया,
और सम्राट कहते हैं अपने सदगुरु की शरण में गया और परम आनंद का ज्ञान कैसे मिले इसकी तलाश में लग गया। सम्राट सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर अभी तक तो वो सुख, वो खुशी, वो आनंद मिला नहीं, कब मिलेगा। तब सम्राट के सदगुरु ने असली आनंद प्राप्त करने का राज बताना शुरू किया, वही राज जो सम्राट जनक को भगवान अष्टावक्र ने बताया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सोचते हैं आपको यह मिल जाएगा आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आपको वह मिल जाएगा तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा, ऐसा कभी ना होगा। समझदार आदमी वही है जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है। समझदार आदमी वही है जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है। इसलिए मैं तुम्हें अपने प्राणों का अनुभव देना चाहता हूँ कि जो कुछ पाना चाहते हो उसे पाने की सारी चेष्टा, सारे प्रयास करते रहो। जितना अब तक करते थे उससे भी ज़्यादा करो, और जितनी चीज़ें अब तक चाहते थे उससे 100 गुना ज़्यादा चीज़ें चाहो, उनके लिए 100 गुना ज़्यादा प्रयास करो। लेकिन उसके साथ साथ अगर वर्तमान में जो तुम्हें मिला है, जहाँ तुम हो, उसके आनंद को फीका मत होने दो, उसका भी पूरा पूरा आनंद जी लो, उसको भी पूरे पूरे प्राणों से जी लो, उस क्षण की गरिमा को, महिमा को आत्मसात करो। यह आज, यह वर्तमान, यह वर्तमान का क्षण फिर लौट कर नहीं आएगा। जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, तुम्हारे सपने सपने ही रह जाए। इसलिए वर्तमान के क्षण को पूरा पूरा जियो। जो वर्तमान के क्षण को जीने की कला सीख लेता है वो सम्राटों का सम्राट हो जाता है, सम्राटों का सम्राट हो जाता है। उसके लिए सारे भविष्य के सिंहासन फीके पड़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।